की कलाकारी देखिए, श्री राम का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं गजेंद्र, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो फाइनली अभी सुबह सुबह हम उठ गए, मुंह हाथ धो लिए, भी कंप्लीट हो चुके हैं, अभी नहाना बाकी है। बाकी आज थोड़ी लेट हो गए उठने में, बाकी अभी छत पर खड़े हैं हम धूप में। तो फाइनली भैया घर पर आ चुके, पापा जी की सेविंग बनाने के लिए भैया को फ़ोन लगा दिया था, तो उन्होंने बोला मैं घर पर आ जाऊँगा। तो अभी घर पर आए, भी आके वो चाय पी रहे हैं, उसके बाद पापा जी की सेविंग बनाएंगे, पापा जी और दोनों बैठे हैं। तो अभी डैडी का प्रोग्राम चालू हो चुका है बनने का। भैया के हाथ की स्पीड देख लो, एकदम सट्टा सट चलती जा रही है, बिल्कुल हाथ नहीं रुक रहे, ध्यान नज़र कहीं और ध्यान कहीं और। ये देख लो आप, स्पीड देखो उनकी खास। तो यदि किसी को भी डैडी के लिए संपर्क करना है सेविंग करवाने के लिए, तो मैं भैया के नंबर आपको बता दूँगा, आप उनको फ़ोन लगा सकते हो, आ सकते हैं। भी देख लो भैया एकदम खतरनाक तरीके से दाढ़ी बना रही है, ये देख लो स्पीड, ये मुस्कुराते हुए। फाइनल गाइस, अभी हम नहा के कंप्लीट हो चुके हैं और अभी बज चुके हैं 11। अभी 11 बज के अभी हम सुबह उठे थे, आपको बता दिया था, जैसे अभी हम नहाए हैं। अभी नहाने के बाद कंप्लीट हुए, कंप्लीट हुआ, अब मैं टीवी देख रहा हूँ, आपको टीवी में दिखाता हूँ मेरा फेवरेट नाटक कौन सा हो जो मैं अभी देख रहा हूँ। गाइस मैं अभी जंगल बुक देख रहा हूँ, जो जंगल बुक है वो मोगली वाला, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको अधिकतर उसके सीन कभी छोड़ता नहीं हूँ, बाकी उसके सीन में सारे देखते रहता हूँ। बल्लू को देखिए आप, मैं सीन हमेशा देखते रहता हूँ टीवी, जो जंगल बुक आता है उसको। सो फाइनली अभी हमारे लिए चाय बन रही है, मम्मी जी ने चाय बनाई, भी चाय पियेंगे और उसके बाद हम फिर छावर कोचिंग जाएंगे। मम्मी जी यहाँ पे बर्तन जमा रही है, यहाँ पे जाली में, फिर बाकी वहाँ पर चाय बना रही है मम्मी जी, मैं चाय देख रहा हूँ, चाय बन जाएगी उसके बाद फिर हम चाय पी के सीधे ट्यूशन के लिए निकलेंगे। तो फाइनल का ही सभी ट्यूशन के लिए निकल चुके हैं घर से, अभी घर से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम, अभी 5 किलोमीटर और बचा है, उसके बाद हम ट्यूशन पहुंच जाएंगे, अभी निकल के घर जाएंगे। फाइनल का ही अभी आज हम कोचिंग से थोड़ा घर जल्दी जा रहे हैं, वो कोचिंग की हमारी छुट्टी 4:30 बजे होती, लेकिन आज हमको 2 बजे कुछ घर पर काम, उस चक्कर में घर पर 2 बजे जाना पड़ रहा है, मुझे 2 घंटे की कोचिंग छोड़ कर आनी पड़ी। पापा जी का फ़ोन आया था कि कुछ काम है, इमरजेंसी काम है, इस चक्कर में घर पर जा रहे हैं। फाइनली अभी मम्मी जी रोटी लेकर आई है, ये देख लो शेरू को, ये कितने खतरनाक तरीके से उचक्रिया रोट, ये देख लो अभी मम्मी जी रोटी दे रही है तीनों को, ये हाथ में छोड़ाने की कोशिश, अब मम्मी जी फेंकती केज भी कर लेता है वो, देख वो डायरेक्ट डायरेक्ट पकड़ता है वो, देखो आप ये मम्मी जी के पास तीनों इस प्रकार से खड़े हैं जैसे ये। मैं अपने खेत पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं कुएं से मोटर चलाने के लिए आया था, जो खेत में पानी फेरने के लिए, लेकिन अभी अचानक लाइट चली गई, तभी हम लाइट चेक करते वापस सही है कि नहीं। हम यहाँ से लाइट चेक करने वाले हैं, ये वायर है, हम इनको लगा के, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आई है, अभी लगभग आधे घंटे से लाइट का इंतजार हो रहा है, बाकी अभी लाइट नहीं, हमको इस वाले खेत में पानी चलाना है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले लाइट आ चुकी थी और लाइट आने के बाद अभी ये पाइप रखा हमारे पास, हमने वो पानी खेत में फेर दिया पूरा लाइट आने के बाद, और अब वापस लाइट चली गई है, अब हम आ गए, अब कल लाइट आएगी। आपको रवीन को दिखाने जा रहा हूँ कैसी बालक को जैसी हरकत कर रहा है वो, अभी वो देखो ये डंडी से धनुष बाण बनाया है उसने, और ये पीछे 2 तीर, ये शक्ति, ये एकदम ये धनुष ही नहीं छूटा उसका, ये धनुष गया एकदम। रवीन की कलाकारी देखिए, श्री राम का धनुष चल रहा है इधर, ये देखो इसके धनुष को। फाइनली गाइस अभी हम इस व्लॉग का एंड करते हैं, यदि आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मम्मी जी यहाँ पे मौसी से बात कर रही है, और अभी कल हमारा प्लान बना है कि हम, मैं, मौसा जी और हमारे जाजी मामा जी, हम सब कहीं बाहर घूमने जाएंगे, तो हम जहाँ कल घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ का पूरा व्यू, पूरी जगह के वही दिखाएंगे, देखा हमने भी नहीं है, पूरा मौसा जी ने देखा है, तो वो हमको पूरा दिखा के लाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।